तो आज है जनाब मिशन कॉकरोच मारने का। एक्चुअली 2-3 दिन हो गए हैं मैं ये जो सारी ये जो विंडो वाली जगह है ना यहाँ पर, और ये नल के बैक पे आपको थोड़ी सी कैविटी नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मैं देख रही थी बहुत सारे मुझे कॉकरोचेस नज़र आए, छोटे छोटे से बिल्कुल टाइनी बेबी कॉकरोचेस। और रात में मैंने देखा, 2-3 दिन हो गए मैं देख रही हूँ कि रात को ना जब मैं किचन में आती हूँ तो मुझे नज़र आते हैं। और तकरीबन 6 मंथ्स पहले भी मैंने जो है ना इंजेक्शन्स यूज़ किए थे, वो सीज़ार इंजेक्शन्स थे, बट वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो उनमें ना काफ़ी टाइम लगता है, मतलब जाहिर है ऑनलाइन ऑर्डर करो तो कराची से आते हैं, टेक्स 3-4 डेज़। तो मुझे ये 2-3 दिन से कॉकरोच नज़र आ रहे थे, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज फ्रीकिंग आउट, क्योंकि अगर आप अनअटेंडेंट छोड़ देना इस तरह से तो क्या होता है कि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और आपका सारा किचन भर जाता है कॉकरोचेस के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो भी करीब सुपर स्टोर पे अवेलेबल है ना प्रोडक्ट वो ही मंगवा लेती हूँ। तो मैंने क्या किया था कि रात में ना मैंने ये सबसे पहले सारी शेल्फ्स जो हैं उनमें से बर्तन निकाल लिए थे, यहाँ पर आपको पता है मेरा डिश ट्रैक होता है, वो सब कुछ मैंने हटा दिया था और सारा कुछ जो है ना मैंने बाहर रख दिया था। पूरे किचन को खाली करके मैंने ये स्प्रे है ब्लैक कोबरा, ये जो है ना मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया था पूरे किचन में, तकरीबन ये पूरा मतलब फिनिश होने वाला है, इतना ज़्यादा मैंने स्प्रे किया। और इसको मैंने स्प्रे करके ना किचन को लॉक कर दिया था। सुबह मैंने सारे किचन को जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, सारे मैंने जो काउंटर टॉप्स हैं उनको विम डाल के ना मैंने अच्छे से वाइप कर दिया है, और फ्लोर को भी मैंने सर्फ के साथ वॉश कर दिया है, और अभी मेरा किचन जो है ना वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। तो अब मैं यूज़ करूँगी ये प्रोडक्ट विच इज़ टाइफॉन का कॉकरोच किलिंग जेल, और ये इस तरह से ना इंजेक्शन्स आते हैं और ये एक इंजेक्शन के साथ एक फ्री होता है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ बाय द वे, ये मैंने मंगवाया है पंजाब कैश एंड कैरी से, और ये उनकी ना बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। मैंने हस्बैंड से कहा था कि जो भी बेस्ट सेलर हो वो आप ले लें, तो ये मैंने मंगवाया है और ये नॉन टॉक्सिक है, ओडरलेस है, जेल ड्रॉप फॉर्मूला है, और 3 दिनों में आपको जो है ना इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ बैग से भी, इट सेज टाइफॉन जेल छोटे बड़े कॉकरोच और दीगर कीड़ों मकोड़ों को अक्सर ख़त्म करता है। एक काढ़ा सा मटेरियल है जो कि दीवार और लकड़ी से एक कतरे की शक्ल में चिपक जाता है। जेल का ये कच्चा भूसे बाग स्प्रे की तरह फिजा को आलूदा नहीं करता। अब ये बेसिकली क्या होता है कि ये इट्स अ जेल, और ये जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हो यहाँ वहाँ पे स्टिक कर जाएगा, और कॉकरोचेज जब इसको खाएंगे तो फिर वो इस दुनिया से जो है वो गायब हो जाएंगे। तो इसको हमने क्या करना है, डिस्पोजेबल स्ट्रेंज को हमने काट लेना है और आहिस्ता आहिस्ता दबाएंगे तो ये जेल बाहर आना शुरू हो जाएगा, और एक एक मीटर के फासले से हमने लगाना है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो अभी जो है ना मैं इन इंजेक्शंस को करूँगी ओपन और फिर मैं अप्लाई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। एंड बाय द वे इसका ना मैं आपको रिव्यू भी दूँगी बहुत जल्द, मैं देखती हूँ 3 दिनों में गायब होते हैं कॉकरोचेज या नहीं, और आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो चलें स्टार्ट करते हैं लगाना इसको। तो ये मैंने इसको काट लिया और अब मैं इसको जो है ना लगाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं इसको लगाती हूँ, देखती हूँ कितनी प्रोडक्ट है इसके अंदर। कैबिनेट्स के जो डोर्स होते हैं ना वहाँ पर स्पेशली बहुत सारे कॉकरोचेज होते हैं,
सो बस मैं अभी इसको किचन में लगाती हूँ, और आपको इंशाल्लाह फिर मैं 2-3 दिन के बाद अपडेट करूँगी कि क्या रिजल्ट्स हैं इस इंजेक्शन के। आज मैं अरवी की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं जो हूँ इसको पील करने का तरीका शेयर कर देती हूँ, बिकॉज़ आई रिमेंबर कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने अरवी बनाई थी ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस तरह से पील करूँ, क्योंकि हाथों पर बहुत इचिंग होती है इसको पील करने से, और इसको थोड़ा सा तरीके से आप छीलें तो आपको इचिंग भी नहीं होगी और ये अच्छे से छिल भी जाएगी। तो आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ इसको आप किस तरह से पील कर सकते हैं इजीली विदाउट इचिंग। तो ये है अरवी, और सबसे पहले जो है ना हाथों पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, आपने जो है अच्छे से रब कर लेना है इस ऑयल को अपने हाथों के ऊपर, ऊपर नीचे जो है ना आप ऑयल लगा लें। तो ये देखिए ऑयल लगा लिया मैंने, यू कैन यूज़ ग्लव्स एज वेल, लेकिन मुझे जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ग्लव्स पहन के, मुझसे नहीं है। अब जैसे इसके ऊपर कोई ये आपको नज़र आ रहे होंगे बाल हैं या मार्क्स हैं तो इनको तो हम कट कर देंगे, उतार देंगे साथ से। तो सारे मार्क्स वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे और अब मैं इसको पील कर रही हूँ, एंड बेसिकली यहाँ पर मैं इसको स्क्रेप कर रही हूँ बिल्कुल हल्के हाथ के साथ, जिस तरह से हम यूजुअली करेलों को स्क्रेप करते हैं, या फिर कभी कभार जो पोटैटोज होते हैं जिनकी बहुत पतली स्किन होती है तो उसको हम स्क्रेप कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है मैं अरवी को स्क्रेप कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं बहुत पतली सी इसके ऊपर लेयर होती है जो बहुत ईजीली स्क्रेप हो जाती है। तो बस इस तरह से मैं सारी अरवियों को स्क्रेप कर लूँगी, एंड बिकॉज़ मैंने हाथों में ऑयल लगाया हुआ है तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई इचिंग नहीं हो रही। तो बस अब इसी तरह से मैं सारी अरवियों को पील कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अब यहाँ पर ना मैं अरवियों को बगैर वॉश किए हुए कट कर रही हूँ, क्योंकि हम इनको बाद में वॉश करेंगे, पहले मैं इनको कट करके सॉल्ट लगा दूँगी, नमक लगा दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, और उसके बाद जो है फिर इनको मैं वॉश करूँगी अच्छी तरह से। तो उससे यह है कि जितनी भी लेस होती है, स्टिकीनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है अरवी में। और इसको मैं काट रही हूँ इस तरह से, इसको मैं इस तरह से काट रही हूँ स्लाइसेस में, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की अरवी बनानी है तो उस तरह से आप इसको कट करेंगे। अगर तो आपको शोरबे वाली बनानी है तो फिर आप इसको मोटा मोटा सा रखेंगे, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे फ्राई अरवी बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैं सारी अरवियों को काट रही हूँ। यहाँ पर सारी अरवी मैंने काट ली है, और अब मैं एक बड़ा बोल ले रही हूँ बिकॉज़ मुझे इसको नमक लगाना है, और उसके लिए जो है फिर मैं इसको एक बड़े बोल, और अब जो है मैं ग्लव का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज़ एज आई टोल्ड यू अर्लियर मैं छीलते हुए या काटते हुए जो है वो नहीं ग्लव पहन के कर सकती। सो अब मैं इसको नमक लगा के रब कर रही हूँ, और यहाँ पर फिर मैं ग्लव का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सिंपल मैं इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के जितना नमक डालूंगी, 1 से आप 1.5 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नमक इसमें डाल के मैं इसको अब अच्छी तरह से रब कर लूँगी ताकि सारी की सारी अरवी में जो है वो नमक लग जाए।
अच्छा, अरबी को नमक लगाने के बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी काउंटर पे ही। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको 30 मिनट्स के लिए भी नमक लगा के छोड़ सकते हैं, और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। अरबियों को मैंने काट कर नमक लगा कर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और अब मैंने इनको अच्छी तरह से जो है वो रब कर लिया है, और रब करने के बाद मैं इनको करूँगी रिंस। और आपने बहुत अच्छी तरह से रिंस करना है ताकि जितना भी एक्सेस सॉल्ट है वो निकल जाए, क्योंकि अगर आप सही से इसको रिंस नहीं करेंगे तो एक तो इनमें लेस होगी, मतलब वो स्टिकीनेस आएगी, और सेकेंडली ये कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी भी बनेंगी ये। तो इस वजह से मैं यहाँ पर जो है इनको बहुत अच्छी तरह से रिंस करूँगी। मैंने 3 बार रिंस किया था पानी के साथ, और आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन भी मैं इनको रब कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो 3 बार मैंने इनको रिंस कर लिया, और रिंस करने के बाद मैंने जो है वो एक बास्केट में रख लिया था ताकि एक्सेस मॉइस्चर निकल जाए, एक्सेस पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। और यहाँ पर जो है अब मैं बना रही हूँ मसाला। इसके लिए मैंने एक वोक में डाला है ऑयल, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप्ड अनियन, जिस तरह से हम ऑमलेट के लिए कट करते हैं ना, इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया था। और अनियन के साथ ही जो है इसमें मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया था। और अब इन दोनों चीज़ों को मैं फ्राई कर रही हूँ। इसका कलर आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना, इसको बस आप हल्का सा सॉटे करें, और जैसे ही ये अनियंस और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो सॉटे हो जाए, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, साथ ही आप इसमें ऐड कर दें 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसमें मैंने डाला था, और इसको अगेन मैं थोड़ी देर के लिए करूँगी फ्राई। ज़ीरे को 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैंने ऐड कर दी है अरबी, और अरबी डाल के मैं इतना इसको फ्राई करूँगी कि इसका कलर अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें तकरीबन मुझे 4-5 मिनट लगे थे, और जब अरबी का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अरबी को जो है मैं खूब अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ, और फ्लेम मेरा इस वक्त जो है वो मीडियम है। तो अरवी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। तो इसमें मैंने डाला था रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था, क्योंकि पहले भी हमने अरवी को नमक लगा के रखा था तो काफ़ी सॉल्ट एब्जॉर्ब करती है अरवी, तो इस वजह से नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप उसको टेस्ट करके बाद में जो है वो एडजस्ट कर लें, लेकिन अगर एक बार आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर मुश्किल होगा उसको कम करना। तो बस थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया था, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था योगर्ट, और योगर्ट को आप अच्छी तरह से बीट करके डालें तो फिर वो उसके जो है ना ग्रेन्स नहीं आते सालन के अंदर। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की, और अब दोबारा अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ। अरवी को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था फॉर 15 मिनट्स, और अब 15 मिनट के बाद हमारा ये बहुत ही मज़े का अरवी का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। और एंड पे मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्चें, और आप चाहें तो आप कट करके भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जिससे बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है अरवी का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में बनी हुई हो अरवी, मैं बात कर रही हूँ लेमन की। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ कर दिया था एंड में, और आज जो है पता नहीं क्यों
मुझसे जो है ना वो वॉइस ओवर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मेरे मुंह से जो है ना वो अल्फाज नहीं निकल रहे। हो जाता है कभी कभार ऐसा भी। तो बहरहाल लेमन जूस मैंने स्क्वीज़ कर दिया था और अब ये बहुत ही मज़े का अरवी का सालन रेडी हो गया है। और मैंने ना बहुत अरसे के बाद अरवी बनाई है, लाइक लिटरली सालों के बाद मैंने अरवी बनाई और बहुत मज़ा आया हमें खाकर। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।